हेलो हेलो, ठीक है? आपको वॉइस आ रही है? आई थिंक क्लियर आ रही है ना? वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दोबारा से मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ। सर दोबारा क्यों? थोड़ी सी वीडियो में कुछ इशू आ रहे थे, थोड़ी सी वीडियो में कुछ इशू आ रहे थे, तो मैं आपको दोबारा से करा रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा टॉपिक है नेक्स्ट, जो वो है मेरा परसेंट, वो मीनिंग ऑफ रिमेनिंग परसेंट, मीनिंग ऑफ रिमेनिंग परसेंट। रिमेनिंग परसेंटेज मतलब क्या? एक स्टोरी है, उस स्टोरी से मैं आपको कराता हूँ, एक स्टोरी से मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल हम लेते हैं सुल्लू भाई वाला, सलमान खान वाले, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? सर एग्जाम्पल क्या है? ₹1,000, सलमान खान ₹1,000। सलमान खान कितने रुपये कमाता है टोटल? 1,000 रुपीज़ कमाता है, ठीक है? और स्पेंड कितने करता है? 4,400। 400 सर, 400 कैसे स्पेंड करता है? आउट ऑफ 1,000 रुपीज़ दैट ही अर्न्स, यानी सर उस 1,000 रुपये कमाता है, तो 1,000 में से, उस 1,000 में से 400 रुपये खर्च करता है, ये उसका मीनिंग है। फिर बोल रहा है, अब उन 1,000 में से अगर 400 रुपये खर्च करता है, तो उन 1,000 में से कितनी सेविंग करता है? व्हाट विल बी हिज सेविंग्स, व्हाट विल बी हिज सेविंग्स, तो उसके सेविंग्स कितनी है, उसके सेविंग्स कितनी है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। 1,000 रुपये कमाता है, 400 रुपये खर्च करता है, तो उसकी सेविंग्स कितनी हुई, तो उसकी सेविंग्स कितनी हुई? सर बहुत इजी है ये तो, सेविंग से कैसे पता लगाओगे? अर्निंग में से स्पेंडिंग माइनस कर दोगे, अर्निंग में से जितने भी खर्चे कर रहे हैं वो माइनस कर दोगे, यानी टोटल कितना पैसा आया उसमें से कितना गया माइनस कर दोगे, तो बचा रह जाएगा आपके पास। आपके पास 1,000 रुपीज़ आए, आपके पास 1,000 रुपीज़ आए, 1,000 में से 400 रुपये चले गए, तो बचे कितने रह गए? 600 रुपये। कितने रुपये बचे रह गए? 600 रुपये। लेकिन ये जो सारी बात हुई, ये बात हुई इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ रुपीज। मेरे को ये सारी बातें करनी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज मतलब क्या? मेरे पास 1,000 रुपये आए, मेरे पास 1,000 रुपये आए, मेरे पास 1,000 रुपये आए, मैंने 1,000 रुपये कमाए, मैंने 1,000 रुपये कमाए, ठीक है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 1,000 रुपये मेरे पास आए, यानी कि मैंने 100% इनकम कर ली? तो 100% क्यों बोला आपने? हम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज से क्या है? फ्रैक्शन है। परसेंटेज का एक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल क्वांटिटी। जिसमें से डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, जो कि हम क्या मानते थे? 100, जो कि हम क्या मानते थे? 100। टोटल क्वांटिटी को हम क्या मानते थे? हर 100, 100। तो 100 क्या है? ये 1,000 रुपीज़ क्या है? ये अर्निंग है इसकी, क्या है? टोटल टोटल ही तो है ये, फिर टोटल इतना पैसा उसके पास आ रहा है, टोटल इतना पैसा उसके पास आ रहा है। अब परसेंटेज के टर्म्स में टोटल को हम क्या बोलते हैं? 100%। परसेंटेज के टर्म्स में टोटल को क्या बोलते हैं? 100%, यानी 100% रुपीज़ वो कमा रहा है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4,000 रुपीज़ खर्च करता है, 4,000 रुपीज़ खर्च करता है। तो अगर सर इस 4,000 को भी अगर हम परसेंटेज में चिन्ह करें तो क्या कहेंगे? तो 400 डिवाइडेड बाय 1,000 × 100, तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। तो परसेंटेज में चेंज होकर क्या सर ऐसा 40% कि वो अपना 100% कमाता है, तो 100% में से 40% वो खर्च कर रहा है, 100% में से वो 40% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। सर अगर 100 में से 40 उसने खर्च कर दिए तो बचे कितने? तो बचा कितना? 60%।
तो बचा कितना, 60%। यानी कि सर ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज टर्म्स में इजी हो जाएगा सर। रुपीस के टर्म्स में हम रुपीस को माइनस कर दे, परसेंटेज के टर्म्स में हम परसेंटेज को माइनस कर दे, तो हमारा परसेंटेज सॉल्व हो जाएगा। हाँ अब एक चीज़ सर यहाँ पे तो ठीक है समझ में आ गया सर। सपोज कर क्वेश्चन में ये देता, क्वेश्चन में क्या देता, क्वेश्चन में सर थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। क्या चेंजेस हो जाते हैं, ये लिखा होता है सलमान खान अर्न्स रुपीज 1,000 एंड स्पेंड्स 40% ऑफ इट्स ऑफ हिज इनकम एंड स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम। ये एग्जांपल नोट कर लेना दोबारा से, अभी नोट करना है आपको है ना। एक एग्जांपल तो बोलो सलमान खान वाला नोट करना था, इससे पहले वाला जो रुपीज के टर्म्स में था ये परसेंटेज के टर्म्स में मैंने चेंज करा दिया। सलमान खान अर्न्स रुपीज 1,000 एंड स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम, 40% ऑफ हिज अर्निंग को लिख लो, इनकम लिख लो, बात एक ही है, ऑफ हिज अर्निंग है ना। सो नाउ व्हाट विल बी हिज सेविंग, तब उसकी सेविंग क्या होगी, तो उसकी सेविंग अब क्या होगी, तब उसकी अब सेविंग क्या होगी। तो सर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओ सर, वो कुछ पैसे कमा रहा होगा सर। जो वो कमा रहा होगा, जो वो अर्निंग कर रहा होगा, वो 100% उसको बोलेंगे, जो टोटल क्वांटिटी वो कमा रहा है उसको 100% बोलेंगे, 100% बोलेंगे, 100% बोलेंगे। तो 100 में से वो कितने पे खर्च कर रहा है, कितने पे स्पेंड कर रहा है, उस 100% में से परसेंटेज के थ्रू, परसेंटेज सर 40%। तो सर उसके पास क्या बच रहा हो, उसके पास सेविंग हो रही होगी, तो सर वो अपना वो 60% सेव कर रहा होगा, है ना। मैं इतना कह सकता हूँ वो 60% सेव कर रहा होगा। और इसको और क्लियरली मैं अगर बोलना चाहूँ तो 60% ऑफ व्हाट, 60% ऑफ हिज अर्निंग, सिक्सटी परसेंट ऑफ हिज अर्निंग। तो क्या आप सीधे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, 60% ऑफ हिज अर्निंग, अर्निंग कितनी, 1,000 रुपीज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 60 × 10 करके आपके रुपीज आ गए 600। ठीक है आ गए, क्या पहले भी 600 ही आंसर आ रहा था, अभी 600 ही आंसर आ रहा है सर। पहले भी 60% ही हमने ऐसे निकाला था उल्टी वर्किंग करके, अभी सेविंग 60% ही आ रहा है। ये सॉल्यूशन नोट कर लो, ये सॉल्यूशन नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर ठीक है, और यहाँ पे ऊपर हेडिंग डाल देना अल्टरनेटिव वन, अल्टरनेटिव वन यानी एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अल्टरनेटिव वन। वीडियो को पॉज करके नोट करना ठीक है। एक अल्टरनेटिव टू, अल्टरनेटिव टू सॉल्व करने का क्वेश्चन को, यानी सर एक तरीका तो ये हो सकता है मैं ऐसे सॉल्व करें, परसेंटेज बोले सॉल्व कर लें, फिर देखा कितने परसेंटेज होता है, फिर उस परसेंटेज को हम रुपीज में चेंज कर रहे हैं, फिर उस परसेंटेज को रुपीज में चेंज कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो कि मैं कहूंगा नॉट प्रेफर, डॉट प्रेफर, इसको प्रेफर नहीं करना, समझना है, डॉट प्रेफर, इसको समझना है केवल। आपकी अर्निंग कितनी हुई, 1,000 रुपीज, फिर वो कह रहा आपने स्पेंडिंग कितनी की। अब देखो हमने स्टार्टिंग कैसे की, परसेंटेज के टर्म्स में नहीं की हमने, परसेंट हमने कैसे की रुपीज के टर्म्स में। स्पेंड कितना किया सर, स्पेंडिंग का पता नहीं, स्पेंडिंग का हमें सर इक्वेशन पता है, 40% ऑफ अर्निंग, 40% ऑफ अर्निंग, तो सर स्पेंडिंग को सॉल्व कर लो, 40%
परसेंट ऑफ अर्निंग ठीक है 400 अर्निंग आ गए, स्पेंडिंग आ गए, अब आप निकालो सेविंग, अब सेविंग आप निकाल लो ऐसे। तो टोटल पैसा कमाया था आपने 1000 रुपीज़, माइनस आपने कर दिए, खर्चा आपने कर दिए 400 रुपीज़, बच्चे आपके पास क्या 600। तो 600 आपके पास आंसर आ गया, लेकिन अब उसे परसेंटेज नहीं है, तो परसेंटेज आप चेंज कर सकते हो, परसेंटेज आप चेंज कर सकते हो। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, सेविंग परसेंटेज, सेविंग परसेंटेज, तो सर सेविंग परसेंटेज कैसे निकालो, तो जो चीज़ निकालते हैं वो ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर लिखा आपने सेविंग, सब परसेंटेज निकालना। तो आउट ऑफ कितने में से 600 रुपये बचे आपके, कितने में से 600 बचे, कितने में से 600 आपके बचे आउट ऑफ 1000 रुपीज़ या फिर अर्निंग, 1000 रुपये कमाता था तब 600 रुपये बचे, अब परसेंटेज में चेंज करना, तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा क्या 60%। तो एक ये तरीका है, यहाँ से भी यहाँ सब भी ऊपर आ रहा है। बस देखो यहाँ पे हमने पहले तरीके में क्या किया, हमने परसेंटेज से स्टार्टिंग करके रुपीज में आंसर निकाला था, यहाँ पर हमने रुपीज में आंसर सॉल्व करा और फिर बाद में रुपीज में आंसर निकाला, फिर बार बार रुपीज को हमने परसेंटेज में चेंज किया। तो थोड़ा आपको लगता है थोड़ा लॉन्ग हो गया, थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो गई, यहाँ पर कितना शॉर्ट हो गया, यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 लाइन में सॉल्व हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइनों में सॉल्व हुआ है, 7 स्टेप में। तो आपको लगता है ये थोड़ा टाइम टेकिंग है नहीं, तो मैं चाहूँगा आप यूअल तरीका सॉल्व करो, परसेंटेज ही परसेंटेज में सॉल्व करो, परसेंटेज ही परसेंटेज में क्या करो सॉल्व करो कि कितने परसेंटेज आपके पास आए। तो ये जनरली 100% होते हैं, 100 में से आपको 40% चले गए, 100 में से आपको 40% चले गए, 60% रह गए, तो 60% की वो वैल्यू पूछ भी रहा है, वो पूछ भी क्या रहा है सेविंग, तो सेविंग तो 60% हुई, लेकिन आपको ऐसा परसेंटेज में चाहिए रुपीज़ में चाहिए रुपीज़ में, तो 60% को फिर बाद में रुपीज़ में चेंज कर लो, इसको बाद में रुपीज़ में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ। वीडियो बैक करना, नोट कर लेना, अगर आपने नोट नहीं किया है तो बैक करके पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। और एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं, छोड़ो इनको, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी चाहिए ना, तो फिर मैं आपको और एग्जांपल ही देता हूँ, एग्जांपल ही देता हूँ, लिखो। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखो, अ मैन, लिखो नोबिता, लिखो नोबिता स्पेंड्स 500 रुपीज, नोबिता स्पेंड्स रुपीज 500 आउट ऑफ हिज पॉकेट मनी। वो नोबिता कितने रुपये खर्च करता है, 500 रुपीज़ खर्च करता है आउट ऑफ हिज पॉकेट मनी, यानी जितनी भी उसको पॉकेट मनी मिलती है उसमें से उसमें से वो कितने रुपये खर्च कर देता है, 5 रुपये खर्च कर देता है। फाइंड हिज टोटल पॉकेट मनी इफ ही सेव्स, इफ ही सेव्स, मैं 2 मिनट रुको, मैं क्या यहाँ पे वैल्यू लिखूँ। इफ ही सेव्स
60% ऑफ हिज पॉकेट मनी। फिर से करोगे क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कैसे करोगे? नोबिता 500 रुपये खर्च करता है आउट ऑफ हिज पॉकेट मनी, ठीक है, फाइंड हिज टोटल पॉकेट मनी, इफ ही सेव्स 60% ऑफ हिज पॉकेट मनी। तो कैसे पता लगाओगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना। दिमाग क्या लगाना है आपको? ऐसे परसेंटेज के टर्म्स में सोचना है, परसेंटेज के टर्म्स में आपको ऐसे परसेंटेज के टर्म्स में सोचना है। सर क्या सोचना है? आपने देखा कि परसेंटेज परसेंटेज के टर्म्स में सोचना, तो परसेंटेज को उठाओ पहले दिमाग में। सर कैसे उठाया? सर एक ही तो परसेंटेज है, हाँ तो इसको उठा लो। सर ये परसेंटेज क्या दिया हुआ है? सेविंग। ये क्या दे रखी है आपको? 60% सेविंग दे रखी है। 60% क्या दे रखी है? सेविंग दे रखी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। सर इसको देख के क्या दिमाग लगेगा? 60% को देखकर सोचो टोटल पॉकेट मनी कितनी होगी। टोटल पॉकेट मनी कितनी होगी? सर टोटल पॉकेट मनी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो 100% होगी, क्योंकि टोटल वैल्यू को परसेंटेज 100 माना जाता है। अब वो कह रहे 100 में से कुछ तो वो खर्च कर लेता है, कुछ वो सेव कर लेता है। इस 100 में से कुछ तो वो क्या कर लेता है? स्पेंड कर लेता है। सर मैं नहीं पता परसेंटेज के टर्म्स में कितने खर्च करता है, कुछ वो सेव कर लेता है। तो सेविंग हमें पता है, इस 100% में से कुछ वो खर्च सेव करता है, कुछ वो अगर स्पेंड करता है, तो सेविंग कितने करता है? वो 60%। तो आपको नहीं लगता कि सर स्पेंड कितना करता होगा? सर जो भी तो वो कितना स्पेंड करता होगा सर, जो भी रिमेनिंग आता होगा, रिमेनिंग जो परसेंटेज आता होगा, रिमेनिंग परसेंटेज जो आता होगा वो उतना खर्च करता होगा। हाँ है ना? ऑब्वियस सी बात है सर, 100% आप पैसे आपको 100% मिल रहे हैं, तो अगर बोले 100 में से आप 60% बचा रहे हो, 100 में से 60% आप बचा रहे हो, 100% से 60% बचा रहे हो, तो 40% आप खर्च कर रहे हो कहीं पर। तो उसका मतलब आप क्या कर रहे हो? 40% क्या कर रहे हो? कहीं पर खर्च कर रहे हो ना। ये तो बहुत ईजी चीज़ है ना, कोई बड़ी चीज़ तो बता नहीं रहा मैं। अगर आप 100% रुपीज़ कमा रहे हो, 100 में से मैंने बोले कि आपने 60% खर्च कर दिए, तो बचा 100 में 60% आपने बचा लिए, 100 में 60% आपने बचा लिए, तो बचा लिए अगर ये तो खर्च कितने कर दिए? सर जो नहीं है वो हमने खर्च कर दिया, जो नहीं है नहीं रिमेनिंग जो नहीं है वो हमारे पास, उसका डिफरेंस नहीं है हमारे पास, 100 और 60 का डिफरेंस नहीं है हमारे पास, तो सब हमने खर्च कर दिया होगा। तो आपने 40% क्या कर दिया? खर्च कर दिए। 40% ऑफ हिज पॉकेट मनी, 40% ऑफ हिज पॉकेट मनी, पॉकेट मनी को मैं शॉर्ट में पीएम लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑफ हिज पॉकेट मनी। तो सर आपको 40% को कैसे लिखोगे? 40%, ठीक है, ऑफ हिज पॉकेट मनी, ऑफ हिज पॉकेट मनी से ऑफ हिज पॉकेट मनी दी है क्या? नहीं दी है। रुपीज के टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज के टर्म्स में चाहे दियो चाहे नहीं दियो, परसेंटेज के टर्म्स में हमेशा 100 ही मानेंगे, चाहे दियो चाहे नहीं दियो। पर यहाँ पर क्या आपको दी हुई है? यहाँ पर देखो वैल्यू किसकी दी हुई है, यहाँ पर आपको वैल्यू दी पॉकेट मनी की, तो यहाँ पर अपने पॉकेट मनी लिखो। पॉकेट मनी क्या है? पॉकेट मनी अब आपको देखो ये इक्वेशन पता चल गया आपको कि 40% ऑफ हिज पॉकेट मनी वो स्पेंड करता है, और आपको वैल्यू भी किसकी दे रखी है? स्पेंडिंग की। तो स्पेंडिंग वाला इक्वेशन लिखो, टोटल स्पेंडिंग उसकी कितनी है? टोटल स्पेंडिंग उसकी दी है 500 रुपीज, रुपीज़ के टर्म्स में। क्या सर और टोटल स्पेंडिंग का कोई और वैल्यू दी हुई है? हाँ सर, ये टोटल स्पेंडिंग हमने ये फॉर्मूला भी तो निकाला था अभी। टोटल स्पेंडिंग का फॉर्मूला क्या था? 40% ऑफ पॉकेट मनी, क्यों 40% ऑफ उस पॉकेट मनी खर्च करता है। तो सर मैं इसको लिख सकता हूँ 40, तो मैं इसको लिखता हूँ 40% ऑफ हिज पॉकेट मनी। सर पॉकेट मनी को एक्स मान लिया मैंने, इज इक्वल टू उसकी सर पॉकेट मनी कितने रुपये के बराबर है? 500 रुपये के बराबर है। तो सर अगर मैं अब इसको सॉल्व कर लूँ,
देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, सर ये वाली चीज वहां पे आके उल्टी हो जाएंगी, सर ये 100 जो डिवाइड में है वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1250 रुपीज़, 1250 रुपीज़। तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स मतलब कि आपके पास टोटल पॉकेट मनी आ गई। इजी है, यानी परसेंटेज के टर्म्स में आपको सॉल्व करना है। और सर इक्वेशन किसका लिखना है, इक्वेशन उसका लिखना है जिसकी आपको वैल्यू दी हुई है। ये एग्जांपल आप नोट करो, फिर मैं स्टेप्स लिखवाता हूँ। ये एग्जांपल आप देखो, सब थर्ड हेडिंग डालने के बाद, थर्ड हेडिंग क्या डालनी थी, मीनिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग, ये मीनिंग ऑफ रिमेनिंग परसेंटेज, मीनिंग ऑफ रिमेनिंग परसेंटेज हेडिंग डालनी थी आपको। नहीं डाली तो आप डाल लेना, अगर डाल जगह है ऊपर, इन दो एग्जाम्पल सलमान और खान वाले एग्जाम्पल से पहले अगर जगह बची है तो वहाँ पर एक लाइन में डाल लेना मीनिंग ऑफ रिमेनिंग परसेंटेज, ठीक है। और एग्जाम्पल नोट कर लो पूरा, वीडियो पॉज करके कर लेना, ठीक है मैं दिखाता जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, लिखते हो। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टेप्स, क्वेश्चन को स्टेप करने के क्या क्या वो क्या है, तो देखिए हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन किस तरीके का है। जब क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाओगे तब आप ये स्टेप लगा पाओगे। स्टेप वन, पहले चेक करो, चेक व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पता है, चेक करो, चेक व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। पहले चेक करो कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ठीक है। देन फिर की स्टेप टू क्या होगा, स्टेप टू क्या होगा, ट्राई टू फाइंड दैट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसको अब जो पूछा गया है, जो पूछा गया है, डेट मतलब क्या, डेट मतलब क्या, डेट मतलब जो पूछा गया है, डेट मतलब जो पूछा गया है, व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप उसको परसेंटेज में फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने परसेंटेज फाइंड किया था सर, हमसे यहाँ पे सेविंग, हमसे पॉकेट मनी पूछी थी, क्या पॉकेट मनी को आप परसेंटेज में काउंट कर सकते हो। हाँ सर, पॉकेट मनी को हमने परसेंटेज में सर पॉकेट फाइंड कर लिया था सर। पॉकेट मनी जो चीज़ पूछी जाती है, अगर कुछ चीज़ टोटल वाली चीज़ पूछी है, टोटल तो टोटल को हम सर 100% मान लेते हैं, मान लिया, ठीक है। तो पहला पहला काम करता कि आप ट्राई करो, आप जो चीज़ पूछेगी उसको परसेंटेज में चेंज करो, ठीक है। देन स्टेप थ्री क्या होगा, ट्राई टू चेंज एवरी वैल्यू, एवरी डेटा गिवन, एवरी डेटा जो कि गिवन है क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ट्राई टू चेंज एवरी डेटा इन टू परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टू परसेंटेज लिख लो। तो जो जो आपको दिया हुआ है, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है उसको परसेंटेज में चेंज चेंज कर लो। सर आपने कहा किया, मैंने देखो मेरे को स्पेंडिंग दी हुई थी, लेकिन स्पेंडिंग को मैंने किस में चेंज कर लिया, परसेंटेज में, स्पेंडिंग को मैंने चेंज कर लिया परसेंटेज में। सर वो भी कैसे परसेंटेज में चेंज किया, ऐसे नहीं किया मैंने 500 डिवाइडेड बाय 1250 × 100, सर ऐसे क्यों नहीं किया। अगर मैं 500 डिवाइडेड बाय 1250 × 100 भी करूँगा तो मेरा ऐसा 50% ही आएगा, आप चेक करके देख लेना अभी रख पर इतना ही आएगा। लेकिन ऐसे परसेंटेज में चेंज नहीं किया मैंने, ऐसे परसेंटेज में चेंज कैसे किया, यूजिंग अप्लाई रिमेनिंग परसेंटेज मेथड। रिमेनिंग परसेंटेज मेथड क्या, कि टोटल हमारे पास 100 रुपये आ रहे हैं, 100% रुपीज आ रहे हैं, तो 100% में से मैंने 60% सेव कर लिए। अगर 60% मैंने सेव कर, तो रिमेनिंग मैंने खर्च कर दिए होंगे, तो रिमेनिंग को मैंने कैसे निकाला, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सर रिमेनिंग को मैंने कैसे निकाला, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आपको रिमेनिंग परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर जो चेंज लिखा है,
चेंज एवरी डेटा, चेंज एवरी डेटा मतलब क्या होता है, रिमेनिंग परसेंटेज आपको निकालना है, फाइंड R EMANING रिमेनिंग परसेंटेज, ठीक है। और रिमेनिंग परसेंटेज कैसे निकालोगे, 100% माइनस एनी परसेंटेज वैल्यू, आप इसमें से कोई परसेंटेज की वैल्यू माइनस करते हैं ना, तो आपके पास रिमेनिंग परसेंटेज आ जाएगा। तो अगर मैं 100% में से 60% की अगर सेविंग माइनस करूँगा तो मेरा 40% की स्पेंडिंग आ जाएगी। तो ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर टोटल में से अगर आप सेविंग माइनस करें तो स्पेंडिंग आएगी, अगर टोटल 100% में से स्पेंडिंग माइनस करें तो सेविंग आएगी, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, फिर क्या करूँ, फिर स्टेप फोर में क्या करूँ, स्टेप फोर में आप क्या करोगे, ट्राई टू मेक ई क्यू यू ए इक्वेशन ऑफ द वैल्यू विच इज गिवेन, जो वैल्यू दी हुई है, जो वैल्यू दी हुई है उसका इक्वेशन लाओ, जो वैल्यू दी हुई है उसका इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। सर जो वैल्यू दी हुई है मतलब क्या, इस वाले क्वेश्चन में केवल एक ही वैल्यू दी हुई थी स्पेंडिंग, तो मैंने स्पेंडिंग का इक्वेशन बनाया, तो मैंने स्पेंडिंग का क्या बनाया, इक्वेशन आया टोटल स्पेंडिंग इज इक्वल टू 500, और टोटल स्पेंडिंग का भी क्या था, फॉर्मूला बना लिया था हमने ऊपर कि 40% ऑफ पॉकेट मनी। तो ये आपको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और फिर क्या है सिंपल सा लास्ट स्टेप क्या है आपका, सॉल्व दैट इक्वेशन बाय एज्यूमिंग TOTL टोटल QUANTIT बाय क्वांटिटी एज एक्स इफ नॉट GIVEN इफ नॉट गिवन। तो वैसे केस में क्या करो, टोटल क्वांटिटी को एक्स मान के सॉल्व कर लो, अगर टोटल क्वांटिटी की वैल्यू नहीं दिए तो, अगर नहीं दिए तो एक्स मानना पड़ेगा ना, अगर दिए फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं दिए तो एक्स मान के टोटल क्वांटिटी को सॉल्व कर लो, मतलब वो तो आप कर ही लोगे, चलो ठीक है सिंपल सा है कि सॉल्व दैट इक्वेशन, फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फाइव स्टेप्स आपके हैं, फाइव स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हो, ठीक है। एक इक्वेशन में एक क्वेश्चन और देता हूँ, अब उसको आप सॉल्व कर देता हो, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने स्पेंडिंग की वैल्यू दी और सेविंग का परसेंटेज दिया, अब मैं सेविंग की वैल्यू देता हूँ और स्पेंडिंग की परसेंटेज देता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखो, एक और एग्जांपल लिखो आप, सिजुका सेव्स 80%, सर 80% सेव करती है, हाँ सेव्स 80% ऑफ हिज ऑफ हर 80% आउट ऑफ हर पॉकेट मनी, आउट ऑफ हर पॉकेट मनी, सिजुका सेव्स 80% आउट ऑफ हर पॉकेट मनी एंड सर खर्चा कितना करती है, एंड स्पेंड सर आप बताओ कितना खर्चा करती होगी, सर मुझे क्या पता, अरे दिमाग लगा परसेंटेज के टर्म्स में कितना खर्चा करती होगी, सर परसेंटेज के टर्म्स में कितना खर्चा करती है कैसे बताऊंगी, अरे बिल्कुल ही दिमाग लगा रहे हो आप, 100% ऑफ टोटल कमाती हुए ना, टोटल पॉकेट मनी कितनी होगी, टोटल तो पॉकेट मनी 100% ही होगी, टोटल को तो हमेशा 100 ही मान लिया करो ना, सर वो कितनी पॉकेट मनी हो,
आपको नहीं पता टोटल, क्योंकि पॉकेट मनी क्या है, पर टोटल क्या होगी, टोटल तो 100% होगी। अब वो 100 में से अगर 80% सेव कर रही है तो कितना खर्च कर रही होगी, अगर 100 में से 80% सेव करे तो कितना खर्च कर रही होगी, 20%। दिमाग लगा सकते हो ना, लेकिन मैं यहाँ पर 20% परसेंटेज नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पर कोई रुपीज की वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, और वो स्पेंड करती है रुपीज, एंड स्पेंड रुपीज रुपीज 200 फाइंड हर पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी को बार बार शॉर्ट में पीएम बोलूंगा, ठीक है। आपको उसकी पॉकेट मनी पता करनी है, आपको उसकी पॉकेट मनी पता करनी है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो पहला स्टेप बन गया, चेक क्या पूछा गया, चेक क्या पूछ, चेक करो कि क्या पूछा गया है। स्टेप वन, चेक करो क्या पूछा गया। तो क्या पूछा गया है? पॉकेट मनी पूछी गई है, ठीक है। स्टेप टू क्या था? स्टेप टू क्या था? जो पूछा गया उसको परसेंटेज के टर्म्स में निकालो। तो सब पॉकेट मनी क्या हो जाएगी परसेंटेज के टर्म्स में, अगर देखें तो 100%। हाँ, टोटल चीज है ना वो, तो सर उसमें से चीजें बाइफर्केट हो रही है। सर टोटल पॉकेट मनी जब आएंगे तब उसमें से जाके हम कुछ सेव करेंगे, कुछ खर्च करेंगे, तो मतलब टोटल चीज हो गई। टोटल चीज तो हमेशा 100% ही रहेगी, ठीक है। फिर स्टेप थ्री क्या है? जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उसे परसेंटेज में चेंज कर, जो भी आपको डेटा दिया हुआ है परसेंटेज में चेंज करो। तो आपको दी हुई है सेविंग, तो दी हुई ऑलरेडी सेविंग कितनी दी हुई है? आपको दी हुई है 80%। 80% सर आप कमा रहे हो 100%, आप बचा रहे हो 80%, तो खर्च कितना कर रहे हो? तो आप कह सकते हो सो आपकी जो स्पेंडिंग होगी वो क्या होगी, 100% तो आप कमा रहे हो, 100 में से आपके पास 80% अभी भी बचे हुए हैं, 80% भी अभी आपके पास बचे हुए हैं, तो कितने खर्च किए आपने? 20%। तो आपने खर्च कितने किया? 20%। क्या आपने 20% में निकाल लिया? ठीक है। स्टेप फोर क्या है आपका? ट्राई टू मेक इक्वेशन, एक इक्वेशन। सर इक्वेशन तो किस चीज का होनेगा? इक्वेशन तो उस चीज का होनेगा जिसकी वैल्यू दी हुई है। तो वैल्यू किसकी दी हुई है? आपकी स्पेंडिंग दी हुई है, स्पेंडिंग की वैल्यू आपको दी हुई है। स्पेंडिंग इज इक्वल टू नहीं, स्पेंडिंग नहीं सॉरी, सेविंग दी हुई है, सेविंग दी हुई है, नहीं, स्पेंडिंग दी हुई है, सॉरी स्पेंडिंग ही दी हुई है। स्पेंडिंग आपको दी हुई है 200। क्या स्पेंडिंग का इक्वेशन बन जाएगा आपका? हाँ सर, स्पेंडिंग का जो भी इक्वेशन ने बनाया है ना, ये था ऊपर। सेविंग क्या हो गया? सेविंग इज 20%, तो स्पेंडिंग सॉरी स्पेंडिंग इज 20%, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्पेंडिंग क्या है? स्पेंडिंग हो गया 20%, 20% ऑफ पॉकेट मनी, जिसकी वैल्यू की, जिसकी जिसकी 200 रुपीज के टर्म्स में 200, तब परसेंटेज के टर्म्स में तो 20% है, लेकिन रुपीज के टर्म्स में तो 200 है। तो क्या ऐसे सॉल्व करके पीएम की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। अब मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, लेट पॉकेट मनी बी एज्यूम्ड टू बी एक्स, टू बी क्या बनेगा मेरा, क्या बनेगा 20% ऑफ एक्स इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 200। पीएम को मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स से, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 20% ऑफ एक्स 200। देयर फॉर पूरा सॉल्व कर लेना, मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा, बच्चों वाली चीजें होंगी कि मैं ये भी आपको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 1000, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 1000 आपके पास आंसर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा
स्पेंडिंग, सॉरी पॉकेट मनी पूछा था ना, पॉकेट मनी इज इक्वल टू हमने क्या माना था एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है 1000, तो आप लिख सकते हो देयर फोर हर टोटल पॉकेट मनी इज रुपीज 1000, इज रुपीज 1000, इज रुपीज 1000। ठीक है, ये आंसर समझ में आ गया? नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं, इस वीडियो को 4 बार देख लो, वीडियो को 4 बार देखने से नहीं हो कि बोर हो गया, फिर समझ में आ जाएगी। ठीक है, 4 बार समझो, और 4 बार समझने को जो चीजें, जो एग्जाम्पल ही मैंने कराए ना, एग्जाम्पलों को खुद बुक बन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, जिस तरह से मैंने बताए हैं, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से एग्जाम्पल ही खुद से सॉल्व करो। ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन कराए वो सब देखते रहे, उन क्वेश्चनों को भी करो, जब नहीं करते जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना उनको भी करो। ये मतलब सर आपने एक बार करा दिया तो अब मैं क्यों करूँ? अरे वो मैंने कराए हैं, क्या पेपर मुझे करके आना है? पेपर तो आपको करके आना, तो क्वेश्चन भी आपको ही करने होंगे सारे। ये नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने करा दिया सर वो तो हो गए, अब वो आप नहीं करोगे, नहीं, जो सर ने करा दिया क्वेश्चन वो आपको भी करने हैं, वो आपको भी करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसी के ऊपर, टॉपिक 3 के ऊपर ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, टॉपिक 3 के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, लिखना जरा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी, आपको होमवर्क है ये सर, ऐसे क्यों लिखवा रहे हो? ताकि आपको पता चले कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है, टॉपिक 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखना, एग्जाम्पल में 2 तरीके लगाएंगे, 3 3 तरीके, 4 4 तरीके, सॉरी 4 4 तरीके लगाए गए हैं, नहीं 4 नहीं 3 तरीके लगाए गए हैं, छोड़ देना उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो, ये पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड है, द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। पहले इंक्रीज हो रहा है तो, पहले डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करो, फिर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनका तरीका हमें देखना है, आप अपने तरीके से करना, जिस तरह से मैंने कराया था ना 1917 18, कुछ ऐसे क्वेश्चन उस तरह से करना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 भी लिखो, ये भी क्या है आपके प्रैक्टिस के लिए, ये भी टॉपिक 1 से रिलेटेड होमवर्क है। ये लिखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल 8 भी, ये भी टॉपिक 1 से रिलेटेड होमवर्क है। ठीक है, चेंज परसेंटेज वाले भी लिखो, ये आई थिंक आपको टॉपिक 2 है, चेंज परसेंटेज कहाँ गया, ये 1 वाला पार्ट है ना, 1 वाला, और जो ये जो है ये आप लिख सकते हो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, ये क्या है 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, सेकंड वाला। ठीक है, ये भी होमवर्क में लिखो। ये भी देखो चेंज परसेंटेज वाला। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं तो, ये तो बोला था कि आए नहीं, जिसका 16% आंसर आया था जो आपने उससे कॉल पर भी पूछा था, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, तो ये मतलब कि आया ही नहीं, वो क्वेश्चन देखो और करो इसको सब। वो क्वेश्चन तो पता नहीं, दोबारा से वीडियो देखो, वीडियो को रिप्ले करो और देखो, थोड़ी मेहनत करो, ये नहीं कि एक बार वीडियो देखे तो देख लिया, उसका देखोगे नहीं। ठीक है, आपके देखो होमवर्क क्या क्या है, और यहाँ पर टॉपिक्स नहीं लिखे, अपना दिमाग लगाया ना, जितने भी हरे हरे और येलो येलो हो रहे हैं, सारे ग्रीन वाले, सारे कलर वाले आपके होमवर्क हैं, सारे लिख लो कहीं पर भी, सारे नोट कर लो, सारे पॉज करो और नोट करते हो, पॉज करो, सारे होमवर्क हैं आपके। ठीक है, जो हो चुके अच्छे थे, जो नहीं हुए वो होमवर्क है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, जो थोड़े से जनरल, जो जनरल लॉजिक है, जनरल। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, अ सिस्टम कंटेन, एक डब्बे की बात कर रहा है, 5000 लीटर्स ऑफ वाटर, उसमें 5000 लीटर का है पानी है, देखो 6% ऑफ वाटर इज लीक्ड, अगर 6% वाटर लीक हो गया तो कितना बचा,
टॉपिक 3 है। टॉपिक क्या है? टॉपिक 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी होमवर्क में लिखो, इसको भी होमवर्क में लिखो। टॉपिक 3 से रिलेटेड होमवर्क है ये। सर 6% अगर लीक हो गया तो बचा कितना? 94। सर टोटल तो 100% होगा ना, टोटल 100% पानी था उसके अंदर, टोटल 100% में 6% लीक हो गया तो बचा कितना? 94%। तो 94% निकाले ना 5000 का, 94% ऑफ 5000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी क्वेश्चन टॉपिक 2 पर है, सॉरी हाँ ये टॉपिक 2 है, टॉपिक 3 नहीं, टॉपिक 3, हाँ टॉपिक 3, हेडिंग चेंज करा दी ना मैंने अब तो। ये टॉपिक 3 से रिलेटेड है, ये 9th वाला भी है ना। आप लिख लो ये कुछ हो गया है। ठीक है, टॉपिक 3 से रिलेटेड होमवर्क है। ठीक है, इलेक्शन द कॉस्ट ऑफ स्कूटर। अब मैं आपका छोटा सा टॉपिक और बता रहा हूँ, डेप्रिसिएशन वाला। टॉपिक 4th होगा आई थिंक, अभी आपका 1, 2, 3 हो गया, 4th होगा डेप्रिसिएशन वाला। तो डेप क्या होता है? डेप क्या होता है? तो पहले मेरे को एक चीज बताओ आप, डेप क्या होता है मेरे को एक चीज बताओ। डेप्रिसिएशन फुल फॉर्म क्या होता है? डेप्रिसिएशन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डेप। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डेप। तो मेरे को एक चीज बताओ, आज ना आप न्यू मोबाइल लेकर आए, आप ना एक न्यू हैंडसेट परचेज करके लाए, आप एक न्यू मोबाइल परचेज करके लाए। सर सपोज करो 20,000 उसकी कॉस्ट थी, 20,000 उसकी कॉस्ट थी, उसकी 20,000 क्या थी? उसकी कॉस्ट थी। क्या मुझे ये बताओ, अगर आप उसको एक साल बाद उसको बेचते हो, अगर आप उसको एक साल बाद उसको बेचते हो, उसको रीसेल करते हो, जो आप अपना नया मोबाइल एक टाइम पर लेके आए थे एक साल पहले, अगर आप उसको एक साल बाद बेचते हो, तो क्या वो सेम 20,000 पीस का बिक जाएगा या उससे कम का? क्या वो एक साल बाद भी 20,000 पीस का ही बिकेगा, क्योंकि आप 20,000 पीस का खरीद के लाए थे, या उससे कम का बिकेगा या उससे ज्यादा का? सर कम का बिकेगा, ऑब्वियसली ना कम का बिकेगा। क्यों कम का क्यों बिकेगा? सर कम का क्यों बिकेगा, बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजंस है इसके। हाँ तो बोले रीजंस है ना, रीजंस, उन्हीं रीजंस को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, उन्हीं रीजंस को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सर मतलब, सर हो सकता है आपका मोबाइल पता है क्यों कम का बिके? पहला तो एक वो पुराना हो गया, पहला तो पुराना हो गया, तो सर कोई पुराने के बदले अब आप पुराने से उसको बेचोगे तो वो नए के प्राइस क्यों दे? क्योंकि जो 20,000 जो अपने प्राइस पे किया था वो नए मोबाइल का था ना, लेकिन अब जब उसे मोबाइल सेल करे वो तो पुराना हो चुका, तो पुरानी चीज के बदले में नई चीज के बराबर का प्राइस क्यों दे? पहला रीजन। फिर आपने उसको एक साल इतना यूज किया, आपने उसको एक साल इतना यूज किया, तो आपने इतना यूज किया, आपने तो उसको बहुत ज्यादा यूज ही कर लिया, तो अब उसकी तो इंसान कहेगा यार आपने इतना यूज कर लिया, मेरे तो सेकंड हैंड हो गया, इसमें कुछ खराबी आ गई होगी, आपने कुछ इतना यूज किया, इसके लाइफ टाइम कम हो चुकी होगी। सपोज करो आपको पता है हर एक मोबाइल की लाइफ टाइम, हर एक मोबाइल का जो लाइफ स्पेन होता है वो 3 to 5 years होता है। 3 to 5 years का मतलब क्या? कम से कम वो एवरेज तो वो 3 से 5 साल चल जाता है, एवरेज वो 3 to 5 years एक चीज चल जाती है, मोबाइल चल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी एक साल यूज कर लिया तो उसकी लाइफ स्पेन जो है वो एक साल कम हो गई। तो ये बताओ, आपने 20,000 रुपये जो 5 साल मोबाइल यूज करने के लिए पे किए थे, क्या वही 20,000 रुपये कोई 4 साल यूज करने के लिए पे कर सकता है? नहीं कर सकता, यानी आपने उसको यूज किया तो यूसेज की वजह से सामने वाले ने कहा कि हम आपको पैसे कम देंगे। फिर दूसरा, आपने जब ये खरीदा था तब ये लेटेस्ट आया था मार्केट में, तब ये मार्केट में क्या था? लेटेस्ट आया था, तब ये मार्केट में क्या आया था? लेटेस्ट। लेकिन अब एक साल बाद तो ये पुराना हो गया, एक साल बाद तो और नए नए मॉडल आ गए, क्योंकि आपको नहीं लगता ये थोड़ा आउटडेट हो गया? थोड़ा आउटडेट हो गया। तो सर अगर कोई चीज आउटडेट हो जाएगी तो आपको उसके ज्यादा पैसे मिलेंगे या कम मिलेंगे? कम मिलेंगे। तो ये जो आउटडेट होना रीजन है, जो ये पुराना होना रीजन है, जो ये आपने इसको यूज किया ये रीजन है, आपने इसको यूज कर करके इसको घिस दिया, इसके बटन गायब हो गए, इसकी टच खराब हो गई, ये जो रीजन है, इन सब रीजनों की वजह से क्या हो जाती है? चीजों की वैल्यू कम हो जाती है, चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। और जब इन चीजों की ऐसे वैल्यू में कमी आ जाती है तो इस कमी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इस कमी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। इस कमी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू में रिडक्शन, रिडक्शन इन वैल्यू, रिडक्शन इन वैल्यू, ये होता है डेप्रिसिएशन का मीनिंग। ठीक है, तो सर ये जरा समझा, लिखवा दो सर ये जरा। हाँ तो मैं लिखवा दूँ इसका मीनिंग, बहुत इजी है, बहुत इजी।
ठीक है, टॉपिक फोर हम चल रहा है हमारा, फोर टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ठीक है। रुको इसकी मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, मालूम भी पड़े कि मैं ये चेक भी कर लूँगा पुरानी वाली वीडियो में ऑडियो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, डेप्रिसिएशन की मैं छोटी सी वीडियो भी और बनाता हूँ एक्स्ट्रा है ना।